हे गाइस, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे आप सब लोग? बढ़िया होंगे। तो गाइस, जैसा कि आप लोग जानते हैं, अभी रिसेंट इलेक्शंस हुए थे और पंजाब में एक बहुत बड़ा चेंज देखने को मिला है। देखिए, ये क्या हुआ था, एक बहुत लंबे टाइम से आप लोगों को पता है कि लगातार कंटिन्यू बहुत सारी गवर्नमेंट आती रही और उनका आपस में जो कॉन्फ्लिक्शंस था वो चलता रहा। मैं यहाँ पर पॉलिटिशियन की बात नहीं करने वाला हूँ, यहाँ पर किसी पॉलिटिक्स के मैं साथ भी नहीं हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ उन लोगों की जो अपने आप में एक कब्जा बनाकर बैठ जाते हैं। वो ये सोचते हैं कि शायद हमारे सामने कोई नहीं रह सकता है, हमारे सामने कोई टिक नहीं सकता है। तो मैं बस इतना बोलने वाला हूँ कि एक आम से आम आदमी भी कभी भी खास बन सकता है। ठीक है, ये कोई आम आदमी पार्टी के लिए मैं कोई वर्कर नहीं हूं, मैं ना उनके साथ में हूं, लेकिन यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि देखिए, एक केवल मोबाइल शॉप में वर्क करने वाला पर्सन आज जो है एमएलए बन चुका है। उसी प्रकार से जो बड़े बड़े अपने आप में चार चार पांच पांच बार सीएम रह चुके हैं, है ना, बहुत बड़ा उनका रुतबा था, लेकिन आज वो मैदान में शिकस्त खाकर बैठे हुए हैं। तो इसका मतलब ये है डियर कि आप अपने आप को कभी भी इतना बड़ा मत मानिए कि आप जो है उन चीजों को भूल जाएं जो आपका बेसिक है, उसको भूल जाएं। बेसिक को हमेशा याद रखें, उसी के साथ बढ़ते रहें आगे। और आज जहां पर भी आप हैं, जिस प्रकार से आप मेहनत कर रहे हैं, अपने चाहे एग्जाम के लिए आप लोग मेहनत कर रहे हो, तो दिन और रात उसके लिए लगे रहिए। किसी के पैरों में गिरकर वो आपका तख्तो ताज लेने से अच्छा है कि आप दो वक्त की रोटी अपनी मेहनत से कमाकर खाइए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है यार। आज प्रेजेंट टाइम में आप बहुत सारे लोगों के अंडर में यूटिलाइज हो जाते हैं, तो ऐसे कोई फायदा नहीं है। उस जलालत से अच्छा है कि आप अपनी मेहनत करो और सक्सेस लेकर आगे बढ़ो। और दूसरी बात, जो लोग ये बोलते हैं कि हमसे अच्छा कोई नहीं, डेफिनेटली उनके लिए कोई ना कोई एक दिन उनके सामने खड़ा होता है और उनको उस दिन हार का सामना करना पड़ता है। और ये आप लोग देखते भी आए हैं और होता भी रहा है और होता भी रहेगा। तो इसी प्रकार से दोस्तों, आप अपनी मेहनत करते रहिए, लगातार अपना 100% देते रहिए, एक दिन आपके लिए सक्सेस आपके हाथ में होगी। आज शाम तक आपको एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है, तो सरप्राइज का वेट करिए। मिलते हैं शाम को। थैंक यू सो मच।